हम खुद का काम करेंगे, कौन करता? जो है वही रहेगा, 2025 में वही रहेंगे। शराबबंदी की है, वो सही की है? सही की है। जब शराबबंदी नहीं थी तब बहुत दिक्कत थी। दिक्कत था, सब माला लोग के बहुत दिक्कत था। जो काम कर रहा है वो जमीनी स्तर पे कौन है? नीतीश कुमार है। बात दूसरा है कि लोग बकवास करते रहते हैं, 25 से 30 नीतीश फीस। कहाँ पे शराबबंदी है? शराबबंदी कानूनी तौर पे शराबबंदी है। नहीं नहीं, आप बोलते क्यों है कि शराबबंदी है? जब मिल ही रहा है तो बोलिए ना कि मिल रहा है बिहार में शराबबंदी के बाद भी। ऑन कैमरा बताइए, आप दिलवाइए इसको पैसा, यही लेते हैं लाइएगा जी। हम नहीं ला सकते हैं, हम किसी का भैरव हैं? कोई फालतू बात नहीं, जो रियलिटी है वो बात कीजिए। यहाँ पे आप बोल रहे हैं कि होम डिलीवरी होता है, अभी मिलेगा, आप दिलवाइए। इसको बोलते हैं अंधभक्ति, खुद पता है कि मिलता है फिर भी मीडिया के सामने नहीं मिलता है भैया। इसी के बोलते हैं अंधभक्ति। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव। नीतीश कुमार ही महिलाओं के लिए अच्छा काम किए नीतीश कुमार जी? बिल्कुल किए हैं। अगला बार मौका उन्हीं को देना है? बिल्कुल देना है। 2025 में नीतीश कुमार ही है? बिल्कुल जी। क्या काम अच्छा लगता है? शराबबंदी की है तो महिला लोग खुश है? बिल्कुल खुश है, बहुत खुश है। और कोई काम जो अच्छा लगा नीतीश कुमार का? उनका काम करने का तरीका बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा। तेजस्वी यादव के बारे में क्या सोचती है? तेजस्वी यादव, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा उनके बारे में आइडिया नहीं है मैम। नीतीश कुमार के बारे में पता है जी। कौन बेहतर है बिहार के लिए, क्या लगता है? कौन बेहतर है, प्रश्न आपका है कि कौन बेहतर है और कौन ना बेहतर है? तो ऐसा सोच क्यों ना पैदा किया जाए कि सब लोग बेहतरी की तरफ ही बढ़े। आप जैसे बोले नीतीश कुमार जी कैसे हैं, तेजस्वी जी कैसे हैं, और वो प्रशांत किशोर जी कैसे हैं? नई पार्टी बनाए? हाँ नहीं, नई पार्टी बनाई, अच्छी बात है। सबको राइट है, सबको अधिकार है अपना अपने बात को जनता तक पहुंचाने का और जनता का मत लेने का। तो ऐसा क्यों ना एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए जो विकास के बारे में ही अपना अपने बात को रखे। तो कुछ जैसे नीतीश कुमार जी का पार्टी के हैं, एक पार्टी में सबको अच्छा नहीं हो सकता, कुछ खराब होगा, कुछ मैंने कुछ आपसे मिलेगा आपका विचार, कुछ आपसे ऐसा भी है कि आपके साथ उसका विचार नहीं मिलेगा। तो लोगों को, जो वोटर्स हैं, उनको ये चीज़ डिसाइड करना होगा। ये पार्टी छोड़ दीजिए कि RJD है या JDU है या कांग्रेस है या फिर ये अन्य जो भी पार्टियां हैं, तो हम वैसे लोगों को सेलेक्ट करें, वैसे लोगों को अपना वोट दें जो समाज में समाज को बनाने में अपना योगदान दे। किसको देखना चाह रहे हैं 25 में? बिहार में बाहर है फिर से नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार है जी जी जी। प्रशांत किशोर की भी पार्टी अब बनने वाली है, क्या कहेंगे? देखिए, प्रशांत किशोर अभी आए हैं, अभी विश्वास जीतेंगे तब ना बनेगा पार्टी। नीतीश कुमार किसको देख रहे हैं 25 में सीएम के रूप में? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ही क्यों? नीतीश कुमार अथी कर रहा है तो अच्छा, क्या क्या अच्छा काम लगा उनका? आगे विकास कर रहा है तो। विकास कर रहे हैं। शराबबंदी? शराबबंदी की है, वो सही की है? सही की है। जब शराबबंदी नहीं थी तब बहुत दिक्कत थी? दिक्कत थी, सब महिला लोग के बहुत दिक्कत थी। ला रहे हैं नीतीश कुमार को लोग लाना, महिला इसलिए चाह रही हैं कि उनको सर्विस मिल रहा है। बिहार की लड़की बैठी हुई है और यूपी की लड़की आके बिहार में नौकरी कर रही है, यही नीतीश बाबू करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे। शराबबंदी की है? शराबबंदी कहाँ है, कहाँ है शराबबंदी? हमको दिखा दीजिए थोड़ा, हमको नजर में खुलेआम हो रहा है। हम पकड़ रहे हैं 11 ट्रक 11 कार्टून, शो कर रहे हैं 4 कार्टून, बाकी शराब कहाँ जाती है बताएंगे नीतीश बाबू? 25 में नहीं देख रहे हैं नीतीश कुमार को? देख, अब जनता के हाथ में है, हमारे जनता है ना? नहीं नहीं, बदलाव चाहते, बदलाव तो सब चाहता है, मगर नोट के इस पर पलटी पलट दी जाती है, कार्टून पलट दी जाती है, ये तो वोट है। चलिए, किसको देख रहे हैं 25 में? जो है वर्तमान में वही रहेगा, नीतीश कुमार एकदम रहेगा। खतरा क्या? खतरा किस चीज का खतरा है बताइए ना पहले। वोट काटेंगे पार्टी बनता ही वोट काटने के लिए, लेकिन जो काम कर रहा है वो जमीनी स्तर पे कौन है? नीतीश कुमार है। बात दूसरा है कि लोग बकवास करते रहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, जो है
वही रहेगा, 2025 में वही रहेंगे। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि जो नीतीश कुमार 3 SSS किए हैं, शराबबंदी, सर्वे, फिर स्मार्ट मीटर, ये तीनों के कारण उनकी कुर्सी जाएगी। कैसे जाएगी, कौन सा गलत, कौन तीनों काम में बता दीजिए, आप ही बता दीजिए कौन सा गलत काम किए हैं। शराबबंदी, स्मार्ट मीटर, स्मार्ट मीटर, स्मार्ट मीटर नहीं है वो, शराबबंदी, एक सेकंड, जस्ट एक सेकंड, कहां पे शराबबंदी है, शराबबंदी आप बताइए, शराबबंदी बता रहे, अरे रुकिए भाई, अरे एक सेकंड, एक सेकंड, मेरी बात तो सुनिए, सुनिए 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 सुनिए, आप बोले ना, आप बोले शराबबंदी कहाँ पे नहीं है, शराबबंदी कानूनी तौर पे शराबबंदी है, जो ठेकेदारी, जहाँ ठेकेदारी होता था वहाँ पे बंदी है। अब रही बात चोरी छुपे करने का, तो आप अनलीगल काम कर रहे हैं, अगर आप अनलीगल अगर कहीं भी अब शराब लेते हैं तो उसके लिए कानून है, और अगर कानून पकड़ लेती है तो आपकी सजा होगी। बहुत जल्द आप बोलते, नहीं नहीं आप बोलते क्यों है कि शराबबंदी है, जब मिल ही रहा है तो बोलिए ना कि मिल रहा है बिहार में शराबबंदी के बाद भी। ऑन कैमरा बताइए, आप दिलवाइए, अभी दिलवाइए, कितना शराब दिलवाइए, लाइएगा जी, हम नहीं ला सकते हैं, हम किसी का भैरव हैं, भैरव का काम हम करेंगे, हम का काम करेंगे, कौन करता नहीं, हम कर सकते हैं, बोल रहे हैं करता है जो भैरों का काम करता है। जा रहे हैं ना, आउट ऑफ बिहार जा रहे हैं ना, वहाँ पे शराबबंदी नहीं है, पहले ठेका पर मिलता था, हाँ आप मिलता है, होम सर्विस मिलता है, सर्विस कौन देता है, आप बताइए कैसे दे देंगे, हम कहाँ देते हैं, आप दीजिएगा, आप दीजिएगा, पहले बोलिए, हाँ बोलिए, सुनिए, डोमिनोज, डोमिनोज को फोन कीजिएगा, एक मिनट सुन लीजिए, डोमिनोज को फोन कीजिएगा तो 5 मिनट लेट हो सकता है, लेकिन दारू वाले को फोन अगर कर दीजिएगा 2 मिनट बिफोर पहुंच जाएगा वो, सुन लीजिए, सुन लीजिए, बिहार में कागजी तौर पे हर कोई काम होता है, जमीनी स्थल पर नहीं आता है, ठीक है, कागज पर हर काम हो जाता है बिहार में। आप मैडम ग्रामीण क्षेत्र में जाइए या अपने किसी सहयोगी को भेजिए, देख लीजिए कि किस तरह से मीडियम क्लासों का, मीडियम व्यूज पाने के लिए, व्यूज, भोजपुरी के तमाम बड़े कलाकार, छोटे कलाकार गाना गा रहे हैं व्यूज पाने के लिए, अगर ये भी एक व्यूज पाने के लिए अगर गाना सुना दिए तो कौन सा बड़ा बात हो गया है, पब्लिक खुद देती है एकदम। लेकिन हमारा कहने का मतलब है, देखिए कोई फालतू बात नहीं, जो रियलिटी है वो बात कीजिए। यहाँ पे आप बोल रहे हैं कि होम डिलीवरी होता है, अभी मिलेगा, आप दिलवाइए, यहाँ पे मीडिया वाले लोग हैं, यहाँ अगर दिलवा दीजिएगा तो अरे भाई पता चलेगा नीतीश कुमार जी को, कहा हमने गलत किया, इसको बोलते, सुनिए इसको बोलते हैं अंधभक्ति, खुद पता है कि मिलता है फिर भी मीडिया के सामने बोलते, बीजेपी केंद्र में बीजेपी के साथ अंधभक्ति, वैसे ही नीतीश कुमार बिहार में अंधभक्ति। बाढ़ का समस्या बिहार में सबसे बड़ा है, बाढ़ अभी चल रहा है, नीतीश बाबू कहाँ है, दिल्ली में, ठीक है, बाढ़ का समस्या में दिल्ली में क्या कर रहा हूँ, अगर नीतीश बाबू ने बिहार में काम किया, वाकई में अगर काम किया तो ट्रकों में भर, बसों में और ट्रेनों में भर भर के लोग जो प्लान कर रहे हैं बाहर में, क्यों नहीं बंद किया 2005 की सरकार है, बिहार में रह करके पॉलिसी चलाएंगे बिहार को, कि दिल्ली ही में जाकर के बैठेंगे, दिल्ली में सरकार बैठती है, दिल्ली में गठबंधन होता है, दिल्ली में सारी मीटिंग्स होती है, तो वहीं से बिल पास होता है, दिल्ली का होता है, वोटिंग लेने का बिहार क्या होता है, दिल्ली में बैठ गया, दिल्ली में बैठ गया, वोटिंग के लिए दिल्ली में बिल पास करने के बाद ही बिहार में आते हैं और लोगों को तोहफा देते हैं नीतीश कुमार जी, क्या बात, नीतीश कुमार हमारे लिए नहीं है, एक सेकेंड, हमारे लिए नहीं है, यहाँ पे जितने भी लोग बोल रहे हैं ना, 25 से 30 नीतीश टाइम फीस, 25 से 30 नीतीश टाइम फीस, आज के डेट में नीतीश कुमार वो किए हैं जो शायद कोई कर सकता है, ऐसे बोलने के लिए तो बहुत सारे लोग बोल सकते हैं, लेकिन ये रियलिटी नहीं है। चलिए जनता के बीच है, अब देखना ये होगा कि 25 में कौन आते हैं और जन सुराज से कितना खतरा होता है एनडीए या महागठबंधन को, बाकी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे, धन्यवाद।